Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is structure of XeF6. Xenon hexafluoride. By the help of VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. तो इस theory के help से हम लोग XeF6 का structure देखेंगे. जैसे XeF2 और XeF4 का देखे हैं, same उसी process से यहाँ पर भी देखेंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं. बात करें सबसे फर्स्ट हम जेनोन का. तो जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है. तो इसको हम दिखा देंगे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं 6 और 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जेनोन का. लेकिन यहाँ पे जेनोन जो है वह 6 फ्लोराइड के साथ कंबाइंड है, मीन्स अपना 6 इलेक्ट्रॉन को फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करेगा. तो आइए उसको भी दिखाते हैं. जेनोन है और ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन को 6 फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दे रहा है. तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन को जब ये यूज कर दिया बॉन्ड बनाने में, तो बचा कितना? 2 बचा और, तो 2 हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, नहीं. और इस 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर. तो यहां से लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा, नहीं. और बॉन्ड पेयर कितना होगा? 6 होगा. यहां देखिए, एक लोन पेयर और 3 इधर 3 इधर, 6 बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर. और हाइब्रिडाइजेशंस निकालने के लिए हमको यही पता करना होता है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 6 प्लस 1 7. और जब इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा? sp3d3. कहां से लिखे हम ऐसा चीज? VSEPR थ्योरी से. तो अभी हम VSEPR थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, VSEPR थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो हम बात करते हैं कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन. sp3d3 ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है. तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पता कर लिए. अब बात करते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा और शेप कैसा होगा. ज्योमेट्री की बात करें तो sp3d3 जब होगा हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल. कैसा ज्योमेट्री होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल. एक पेंटागोन होगा और उसमें क्या होगा? 2 पिरामिड होगा, तो उसी का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंटागोन में जितना भी साइड होता है सबका लेंथ क्या होता है? सेम होता है, नहीं. और एंगल कितना होता है? 72 डिग्री. सब एंगल कितना होता है? 72 डिग्री. तो बस केवल जानकारी के लिए था. तो यहां पर देखिए कि एक पेंटागोन है और यहां से आप इसको देख सकते हो कि उसमें एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड पेयर है. तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, मींस 6 बॉन्ड पेयर है. और एक यहां पे लोन पेयर दिख रहा होगा आपको. अभी ये रेड वाला डॉटेड लाइन को अभी आप मत देखिएगा. तो यहां पे एक आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर. अब जो बॉन्ड पेयर है इसमें से 2 बॉन्ड पेयर पिरामिड पोजिशन पे है. So that's why this structure called pentagonal bipyramidal. नहीं, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कैसा दिखेगा, ठीक है. तो ये हुआ आपका ज्योमेट्री. अब हम बात करते हैं कि इसका शेप का. तो शेप का जब बात करेंगे तो हमें केवल मतलब है बॉन्ड पेयर से, मीन्स ये रेड वाला जो लोन पेयर आपको दिख रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मीन्स केवल किससे मतलब है? बॉन्ड पेयर से. सो ड्यू टू लोन पेयर डिस्टॉर्शंस ऑकर्स. लोन पेयर के कारण क्या होगा? डिस्टॉर्शंस ऑकर्स होगा. यहां पे देखिए ये डिस्टॉर्शंस होगा, मींस ये कुछ इधर वाला पार्ट जो है इसका शेप हो जाएगा. इधर वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं. तो इधर वाले पार्ट को हम यहां पे क्लियरली बना दिए हैं, कुछ ऐसा दिखेगा. हम केवल बॉन्ड पेयर को दिखा है, लोन पेयर से हमें कोई मतलब नहीं है. तो 6 देखिए आपका बॉन्ड बना रहा है फ्लोराइड के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन जेनोन के पास, ठीक. और इस शेप को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसी का एक और नाम है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल. क्लियर? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल. देखिए यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको आप स्क्वायर मत बोलिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसको आप स्क्वायर मत बोलिएगा, ठीक है. दिख रहा होगा आपको लेकिन अच्छे से आप समझिएगा तो ये आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ज्योमेट्री कैसा होता है, शेप कैसा होता है, हम सब बात पे डिस्कस कर चुके. एक बात यहाँ पे और आता है कि डिस्टॉर्शन क्यों होता है. तो डिस्टॉर्शन इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, मींस डिस्टॉर्शंस ऑकर्स ड्यू टू लोन पेयर. सेकेंड बात
कि यहाँ पे फोर फ्लोरिंग जो है और 90 डिग्री बनाता है, एक ये दिख रहा होगा, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक। और दो फ्लोरिंग जो है ऐसा है जो कि 180 डिग्री के अक्रॉस होता है, ठीक है। तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस कॉन्सेप्ट के लिए है। मीन्स आपका मेन मुद्दा क्या था, ज्योमेट्री पता करना और शेप पता करना, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।